एक खबर बताने जा रहा हूँ, बताने का मन नहीं था लेकिन बताना पड़ेगा, क्योंकि राजधानी रायपुर के जो धरसीवा थाना क्षेत्र है वहाँ 5 साल की बच्ची के साथ अनाचार हुआ है। सुबह मैं पढ़ रहा था मोबाइल में सोशल मीडिया में कि उज्जैन में भी एक 12 साल की मासूम के साथ अनाचार हुआ वो खबर, फिर उसके बाद मैंने मोबाइल रख दिया। कुछ देर बाद जब मोबाइल खोल के देखता हूँ तो फिर राजधानी रायपुर की जो धरसीवा थाना क्षेत्र की घटना है वो निकल कर आती है। घटना कल की बताई जा रही है, वहीं इसके पहले भी राजधानी में 2 घटनाएँ और घटित हो चुकी है। 2 बहन राखी के दूसरे के दिन घटना ही है जो 2 बहनों के साथ अनाचार हुआ। फिर राजधानी रायपुर शहर के भीतर ही जहां CSP बैठते हैं उनके नीचे पार्किंग है वहां एक बच्ची के साथ अनाचार हुआ और उसके बाद फिर ये घटना निकल कर आ रही है। जब ये घटना हुई तो जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे थे कि घटना के बाद जो जिस बच्ची के साथ अनाचार हुआ उसके पिता थाने पहुँचे, थाने में उनके पिता को बैठा दिया गया और उनको एम्बुलेंस 7 घंटे तक एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। जो तमाम दावे किए जाते हैं कि प्रदेश में डायल 112, डायल 108, डायल 102 की सुविधाएं हैं लेकिन बच्ची के परिजनों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाई। फिर कहा गया कि प्राइवेट गाड़ी से ले जाओ। फिर जो प्राइवेट गाड़ी से उनको राजधानी रायपुर लाया गया और राजधानी रायपुर के जो मेकार हॉस्पिटल है वहाँ उसकी इलाज चल रही है। अगर ये खबर सही है तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है। इस प्रकार की जो कार्यशैली है ये होनी ही नहीं चाहिए। अगर ये बात सही है तो ये तमाम जो सरकार दावे करती है ये सरकार के तमाम दावे फेल है, ये सरकार के मुंह पर तमाचा है। वहीं अब गुस्सा है जो ग्रामीण है, स्थानीय लोग हैं, उन्होंने चक्का जाम कर दिया है। चक्का जाम इसलिए किया है क्योंकि ग्रामीण कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी सजा मतलब फांसी की सजा की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। हालांकि पुलिस ने तो कल देर शाम ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और जो आरोपी है वो भी नाबालिग है और जिस बच्ची के साथ अनाचार हुआ है उसका पड़ोसी बताया जा रहा है।